अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकामा टैक्स के बारे में कि 2020 में कितना इकामा टैक्स माफ़ होगा या फिर कौन से ऐसे इदारे हैं जिनका इकामा टैक्स मुकम्मल तौर पर माफ़ हो चुका है। तो मैंने पहले भी इस टॉपिक पर 102 वीडियो बनाकर अपलोड की हुई हैं, लेकिन ऐसे हमारे जो भाई हैं जो इस चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं या फिर ऐसे भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब तो किया लेकिन बेल आइकन को ऑन नहीं किया, तो उन तक वीडियो नहीं पहुँच पाती और वो वीडियो को देख नहीं पाते और फिर दूसरी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि भाई 2020 में इकामा का कितना टैक्स होगा और कौन से ऐसे इदारे जिनका टैक्स माफ़ हुआ है और कितना टैक्स माफ़ हुआ है बाकी जो दूसरे इदारे हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं वीडियो बना दूं, एक और वीडियो बना दूं जिसमें उन लोगों को बता दूं जिन्हें अभी तक भी नहीं पता कि इकामे पर कितना टैक्स लगेगा। बाकी अगर आपको पता है कि इकामे पर कितना टैक्स लगेगा या फिर कितना टैक्स है या कौन से ऐसे इदारे जिनका टैक्स माफ़ हो चुका है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई और वीडियो वगैरह आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आपका इकामा वैलिड है, इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपका हरूब लगा है या फिर आपका कफील या कंपनी आपको आपके मुल्क जाने की इजाजत नहीं दे रही या फिर आपको सऊदी अरब में आए हुए काफी टाइम हो चुका है, आपका अभी तक भी इकामा नहीं बना, तो अगर आप फाइनल एग्जिट या आउट पास पर अपने मुल्क वापिस जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापिस जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, आपने इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही रابطہ मुमकिन करना है। तो व्हाट्सएप पर जब आप رابطہ करेंगे तो आपने इन्हें बताना है कि मेरा ये मसला मसाइल है, तो ये आपका क्रूज लगाकर एम्बेसी के जरिए सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। बेशक आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या फिर नेपाल से हैं, तो आपका काम 100% शर्तिया होगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। तो वीडियो का आगाज करते हैं और बात करते हैं कि 2020 में इकामे पर कितने टैक्स की माफ़ी हुई है। तो दोस्तों, 2020 में सऊदी गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया है कि जो इकामा फीस है उसमें 200 रियाल की माफ़ी की जाए, यानी कि 200 रियाल आपका माफ़ हुआ है। और टैक्स कितना होगा? टैक्स उतना ही है जितना आपने 2019 में अदा किया था। तो 2020 में वैसे 200 रियाल का इजाफा होना था, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने यह 200 रियाल की माफ़ी दे दी है, ठीक है। और बात करते हैं कौन से इदारे हैं जिनका इकामा टैक्स मुकम्मल तौर पर माफ़ हो चुका है। अगर वो जिनके वो गैर मुल्की जो कि किसी सनती अदारे में काम करता है, ठीक है, तो उन अदारों का जो कि इकामा टैक्स है वो मुकम्मल तौर पर माफ़ हो चुका है, उन्हें कोई टैक्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी कि इन अदारों का टैक्स माफ़ हुआ है और कितना टैक्स होगा 2020 में। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।